आई एम प्रेग्नेंट. तो मैं भी उनमें से एक ही थी. तो उसने दोबारा मुझे प्रेग्नेंट किया तो गलत है. मैंने उसे समझाया कि जब तुमने काम किया था तब तुम्हें गलत नहीं लगा. देखें इसकी अगर देखा जाए दोनों पेंट यहाँ से फटी हुई हैं. रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली. आज की कहानी है एक 19 साल लड़की की जिसका नाम है मीरब. मीरब को एक लड़के से मोहब्बत होती है. वो इसे जो है अस्तग़फिरुल्लाह प्रेग्नेंट करता है शादी से पहले ही और करके 3 महीने के लिए गायब हो जाता है. गायब होने के बाद जब दोबारा वो सोचता है कि लड़की ने सब अबॉर्शन करवा लिया होगा, ये हो गया, दोबारा आता है पूछने के लिए. जब ये कहती है नहीं मैं तो तुम्हारे इंतज़ार में हूँ, तुमने शादी के दावे किए थे, वादे किए थे, मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठ, फिर वो आता है इसके पास, इसको ज़बरदस्ती ले कर जाके अबॉर्शन करवाता है, फिर दोबारा इसे प्रेग्नेंट करता है और फिर इसको कैसे धोखा दे के भागता है और इसकी सारी ज़िंदगी कैसे तबाह हुई है वो इसे जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम क्या है? मीरब. मीरब, मीरब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जो लड़का था उससे कैसे आपको मोहब्बत हुई? मैं फेसबुक यूज़ करती थी. आपको पता क्या, अब तो ये जनरल है, सब लोग फेसबुक यूज़ करता है. तो मैंने भी पहले स्टार्टिंग में, पहले मैं ऐसी नहीं थी, तो मैंने एकदम मुझे मैसेज आया किसी लड़के का, तो मैंने उनसे हेलो हाय की. आहिस्ता 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 बात हमारी बढ़ी, तो 4-5 महीने तो हमारी ऐसे बात होती रही. उसके बाद फिर हमारा, उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ 5 महीने बाद. तो मैं पहले थोड़ा सा डर गई, तो मैंने कहा मैं कैसे, मैं तो घर से बाहर मतलब के अकेले निकलती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से अकेडमी से घर. तो वो कहते नहीं आप मेरे से किसी तरीके से आप मिलो. मैंने फिर 2 महीने तक तो उसे ऐसे बातों में उलझा के रखा. ठीक है. फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि अगर तुमने मुझे बात ना की तो मैं तुमसे मतलब ब्लॉक कर दूंगा अगर तुमने मुझसे मिलने की ना कोशिश की. तो मैं उनकी बातों में आ गई. तो मैंने ना एकेडमी का बहाना लगा के उसे मिलने गई. तो फर्स्ट टाइम तो उसने मुझसे अच्छे बात की, फिर उसके बाद मुझे भी वो इंटरेस्टेड लगा. तो शादी के लिए उसने शादी के दावे किया शुरू से, वो मतलब शादी का कह रहा था. तो शुरू से वो शादी का कह रहा था. हाँ जी. तो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता मैं उससे 2-3 दफ़ा मिली हूँ. तो उसके बाद मुझे पता चला है कि आई एम प्रेग्नेंट. तो जब मैंने उसको बताने की कोशिश की है तो उसने कहा कि ये सब गलत है. मैंने उसे समझाया कि जब तुमने काम किया था तब तुम्हें गलत नहीं लगा. कहता है इसे सब कुछ आप ख़त्म करवाओ. मैंने कहा मेरी फैमिली पे क्या सब कुछ बीतेगा. लेकिन उसने समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की. तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया. मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. मैंने उसका 3 माह वेट किया. तो 3 माह बाद उसका मैसेज आया है. तो उसने मुझे पूछा कि क्या चल रहा है, क्या आपने सब कुछ ख़त्म करवाया. मैंने कहा नहीं, मैं आपसे, मैंने सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत की है. मैं शादी करना चाहती थी. जी बिल्कुल, मैं उसे शादी करना चाहती थी. तो उसने कहा कि आप मेरे से मिलो. वो मुझे धोखे से हॉस्पिटल ले गया, क्योंकि मैं इसको अगर मैं ख़त्म करवाना चाहती थी तो मैं तभी करवा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं करवाया. तो उसने हॉस्पिटल लेके गया, उसने मुझे बातों में फिर उलझा लिया. तो उसने सब कुछ ख़त्म करवा के मुझे अपने घर छोड़ा है. तो फिर उसने मुझे बात की कि मैं तुमसे शादी करूँगा, वादे मतलब करता रहा. जब अबॉर्शन करवा के तुमसे दोबारा वादे शुरू हो गया कि मैं तुमसे शादी करूँगा. सर देखें, जब इंसान को प्यार होता है ना तो वो कुछ नहीं देखता, उसको बस वही सब कुछ लगता है. तो मैं भी उनमें से एक ही थी. तो उसने दोबारा मुझे प्रेग्नेंट किया. तो 7 दिन बाद उसने फिर मुझे अपोर्शन करवाया, फिर उस मुझे ब्लॉक करके भाग गया. अब मैं बताएं मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, मैं कहाँ जाऊँ. एक बार जब आपके साथ ये हादसा आया, 3 महीने वो बंदा नहीं आया, दोबारा उसके साथ आप रिलेशन में आके कैसे गलत सारा शुरू कर दिया. मैं कह रही ना, मेरा बिल्कुल उसने मुझे पागल कर दिया था. कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूँ. मैं अपनी फैमिली में भी किसी को अपना मुँह दिखाने के लायक नहीं रही, सिर्फ उसी इंसान की वजह से. कि इंसान ऐसे भी लोग होते हैं. तो आपने फिर उसको जब दोबारा वो उसने ये हरकत की और फिर भाग गया, और अब उसके बाद आपको मिला भी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है उसका है? नहीं.
3-4 माह बाद जैसे उसने रब्ता किया, मुझे लगा कि शायद इस दफ़ा भी वो वापस आएगा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि आप भी इसमें गलत हो, क्योंकि सिर्फ वो लड़का गलत है, आपने एक फेसबुक से किसी पे ट्रस्ट कर लिया और ट्रस्ट करने के बाद आपने जो कहा कि हाँ यार मैं इससे सब कुछ कर लिया, तो ये आप गलत नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें लड़की की कोई भी गलती है, इसमें लड़के की गलती है कि एक लड़की आपको एक आपसे एतमाद पे बात कर रही है, आपसे मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको धोखा दो। नहीं, हम मतलब हमारे देखे ना एतमाद, हमारा हमारे मज़हब ने तो मना किया ना ये कि शादी के बाद कोई अक्ल बालक, आप 19 साल की आपकी एज थी एज है, तो आपने मतलब अक्ल तो होता है ना, अगर मतलब अक्ल का काम से ये सारा सीन चलता है। अक्ल उस टाइम साथ नहीं देती जब इंसान कोई आगे आपको कुछ भी दिखाए ना, तो कल आपके काम नहीं करती। तो नाज़रीन एक पहली बात तो ये देखें, अपने बच्चों का ख्याल खुद रखा करें, ये भी छोटी मतलब इसकी एज क्या है, इतनी एज नहीं है। और दूसरा ये है कि अब आप देखें कि एक तो बच्चों के ड्रेस, इन चीज़ों पे बड़ा गौर किया करें, और फेसबुक ये चीज़ें इस्तेमाल कर उनको पॉजिटिव सिखाएं आज से बच्चों से, कल जो मीरब का हाल हुआ है वो आपके किसी बच्चे का हाल ना हो, बच्ची का हाल ना हो, क्योंकि लड़के इस उसने तो अपना काम करके भाग गया कहीं, और तब तो इसको पता भी नहीं था कि यार केस कैसे करवाते हैं, क्या करते हैं, और ये करवा भी नहीं सकती ना घर बताने के काबिल, ये लड़की फिर फंस जाती है। मुझे मीरब ये बताओ कि अब उसने तुम्हें दो बार, अब आइंदा ज़िंदगी में तुम किसी पे इस तरह भरोसा कर सकती? बिल्कुल भी नहीं। लड़कियों को क्या मैसेज दोगी, जो लड़कियाँ देख रही हैं उनको क्या मैसेज दोगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी फैमिली की इज़्ज़त को देखें सबसे पहले, क्योंकि ये लड़के कभी आपसे शादी नहीं करते, सिर्फ वादे कर सकते हैं, जो आपकी फैमिली आपके नहीं, अच्छे लोग जो अच्छे हैं वो शादी भी करते हैं, वो शादी भी कर सकते हैं जो अच्छे हैं। तो मेरे साथ हुआ है ना, तो मैं किसी पे एतमाद नहीं कर सकती, ना मैं किसी को गलत एडवाइस दे सकती हूँ कि आप भी उन पे एतमाद करो, जो आपकी फैमिली आपके बारे में सोचेगी वो बेहतर सोचेगी। अच्छा मुझे ये बताएं, उसने बुरा सोचा, अब आपके बारे में और कोई कैसे बुरा नहीं सोच सकता, और भी कोई तो कुछ सोच सकता है? जी सोच सकता है, लेकिन इतने घटिया तो नहीं ना कुछ। आप देखें आपका फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं ना सिर्फ माशरे को इसमें एजुकेट भी एक चीज़ पे करना चाह रहा हूँ। आप देखें आपका ड्रेस है, ये हमारा माशरा ये ड्रेस इजाज़त देता है, आप बताएं कि पाकिस्तान में कोई भी आपको बुरी नज़र रख सकता है? बिल्कुल, ये तो पहली बात ये गलत है, लेकिन ये देखें कि इंसान की नज़र भी डिपेंड करता है कि इंसान किस नज़र नज़र देखें, इसमें बहस ही है, मैं आपको कुछ नहीं कर रहा ना आपको तंग करना चाह रहा हूँ, आप टेंशन में होंगी हज़ार चीज़ें, अगर आप आई आपने स्टोरी से, आपने मुझे कहा कि मैं स्टोरी से लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा वैसा ना किया करें, ट्रस्ट मैसेज देना चाहिए आपने, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये मैसेज रख रहा हूँ कि आपका ड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पेंट है, जीन्स है, ये यहाँ से मैं देख इसलिए नहीं रहा, लेकिन यहाँ से फटी हुई है, फटी हुई पेंट, ये इस लड़की को जायज़ है? नहीं नहीं है ना। ये आपने शर्ट पहनी हुई है, यहाँ पे मतलब बाजू यहाँ से नीचे जो भी हैं बाजू अंदर नज़र आ रहे हैं, ये जायज़ है? नहीं। कल कोई भी रास्ते में चलता हुआ आपकी बुरी नज़र, या आजकल तो माशरा उस तरफ चल गया हुआ है कि कुछ भी हो सकता है, फिर आप किस पे इल्ज़ाम देंगे? पहले अपने पे देंगी कि काश मैं कोई लिबास ऐसा रख लेती शायद ना होता? जी बिल्कुल। जी मैं फिर से वालदेन को कहता हूँ कि बच्चों को बचपन से ही ऐसे लिबास पहनाएं, ऐसे ड्रेस पहनाएं जो हमारे माशरे को रिप्रेजेंट करते हों। छोटे छोटे बच्चों को हम यहाँ तक उनके बाजू शुरू कर देते हैं, बड़े होकर फिर वो वैसे ही पहनना शुरू कर देते हैं, उसी से खराबियाँ पैदा होती हैं। बचपन से छोटी सी बच्ची है उसको इस्लामी सा लिबास पहनाए, कितनी प्यारी लगती है, मासूम लगती है, आप उसको बचपन से ख़राब करते हैं। अब ये देखें मीरब है, मैं इसकी ज़ातियात पर बात नहीं करना चाह रहा, ये फिर भी मास्क में इसका पता नहीं है चल रहा, लेकिन देखें इसकी अगर देखा जाए दोनों पेंट यहाँ से फटी हुई हैं, कोई भी आए इसको तंग करके जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, हंस सकता है रास्ते में। ये माशरा पाकिस्तानी माशरा, इस्लामी माशरा है, इस पर ये चीज़ें, ये तो यूरोप में चलता है कि नहीं? जी। तो उस लड़के ने जिसके आपको अस्तगफिरुल्लाह दो बार प्रेग्नेंट किया, उसकी गलती है, उसने गलत किया है, लेकिन कहीं आप भी गलत हो, माँ बाप के बगैर छुप के कहीं आप गई, आपने उस पर एतबार कर लिया, वो भी फेसबुक किया तो आपके साथ पढ़ता हो, चीज़ें करता हो, वो तो ठीक है, फेसबुक से आपने एतबार कर लिया तो आपकी भी गलती है। जी मेरी गलती है, लेकिन मैं उस पर अपोलोजाइज करती हूँ, बस यही मैसेज करती हूँ कि कोई लड़की ऐसे ना करे जैसे मैंने किया जो आपके साथ हुआ। जी बिल्कुल। आप आज एक वादा कर लें, क्योंकि बड़े लोग दुआएं देंगे, इस तरह के ड्रेस से बचेंगी। जी हैं, अपने आप को कवर रखेंगी, अच्छा लगेगा। जी ठीक है ना। ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब क्या कहेंगी लोगों को, क्या मैसेज देंगी एंड पे? मैं यही मैसेज देती हूँ कि खुदारा अपनी पहले सबसे पहले अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें, अपनी फैमिली की इज़्ज़त का ख्याल रखें, जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी हो।
और अपनी ड्रेस कवर करें, अपनी अबाया पहने, जो इस्लाम में जायज़ है वो करें। और इन झूठी तुम करोगी पहले ये बताओ। हाँ जी मैं करूँगी। आज सबक मिला है जी। नाखून दिखाओ ज़रा सामने करके, ऐसे हाथ दिखाओ सामने। ये इसके नाखून है, मतलब बेशक ये पागल इस टाइम हुई हुई है, इसको समझ नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें एक सुकून ढूंढना है ज़िंदगी में। सुकून किस में है पता है? नमाज। हाँ नमाज में सुकून। असल बात में आप पहुँची हो, हल्की सी पहुँची हो, लेकिन नमाज पढ़ोगी तुम्हें ये भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगा, ये तुमने ये मतलब अपने देखो कि लिबास रखा हुआ है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिबास पे बात नहीं कर रहा, वो लिबरल हैं, पता नहीं क्या शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारा पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। रास्ते में चलता हुआ एक अच्छा बंदा भी चल सकता है, एक इस्लामी, एक रेपिस्ट भी चल सकता है, एक कोई भी जा सकता है, इसको गलत नज़र से भी देख सकता है इंसान। तो अपने लिबास पे गौर करना है, और सुकून इस तरह के लिबास में नहीं है, या इस तरह का हुलिया बना देना अपना, ये कट कर लेना बाजू, ये हरकतें कर लेना, इनसे नहीं है। सुकून किस में? नमाज में। सबको बोलो कि ये लिबास, चलो तुम चाहिए तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, फिर लिबरल कहेंगे, मैं क्या तुम पे तनकीद करूँ, लेकिन तुम कोशिश कर सकती हो ना? जी, कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता। ये बताओ कि लिबास कौन सा अच्छा, वैसे बता दो मेरे कहने के बगैर अपने दिल से। शलवार कमीज, बाहर जो आप अबाया, अपने आप को कवर करके जाओ। ये करना है ठीक है, पक्का वादा? वाह पक्का इंशाल्लाह। तो नाज़रीन ये थी स्टोरी मीरब की, जिसको एक लड़के ने दो बार इसके साथ गलत किया, इसको मजबूर कर दिया। सोचें इस पर क्या डिप्रेशन, डिप्रेशन कितना था आप पे? बहुत ज़्यादा है, एक अकेली लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, किसी को भी नहीं पता फैमिली में कैसे मैंने कवर किया, ये मुझे पता है। मैंने तो सोचें इसकी इसकी ज़िंदगी ये है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने बच्चों का, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ख्याल रखा करें उनकी तरबियत बचपन से, बाद में बच्चों बच्चियों को बुरा करने लग जाते हैं, उनकी तरबियत ऐसी रखें कि वो इस तरह के कामों से बचें, वो हलाल रिश्ते बनाएं। क्या बचपन से उनके लिबास ऐसे रखें, चीज़ें ऐसे रखें जिसमें ये लिबास हमारा माशरा इजाज़त नहीं देता। मैं तो कहता हूँ मर्दों को ये नहीं जाया जाता, लड़की तो फिर लड़की है, लेकिन हम इस्लामी पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। ये स्टोरी आपके लिए एक मोटिवेशन भी है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी सेव करें, ऐसे चीज़ें माशरे में हो रही हैं उनसे उनको बचाएँ। फ़िलहाल मुझे और मीरब को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। मीरब अल्लाह हाफिज़।